है व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑनलाइन। गाइज कैसे हैं आप सब लोग? गाइज हम आ चुके हैं एक न्यू ब्रांड वीडियो के साथ, और जैसे मैं टेबल पर आ जाता हूँ तो यहाँ से आप देखते हैं 22, 23, 7 के नीचे 6 आ चुका है और 22 के नीचे तो हमने 19-21 पर प्लेसमेंट ज़्यादा कर दी, 1000 की चिप पकड़ी हुई है और बाकी कुछ नंबरों के ऊपर मैंने यहाँ से प्लेसमेंट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा नंबर जा रहा है यहाँ से गाइज कन्फर्म 21, इसको कहते हैं कंफर्म बेट, इसको कहते हैं कंफर्म नंबर के कौन से नंबर के बाद कौन सा नंबर है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में, मैंने आपको क्या बता दिया, फर्स्ट टेबल में 99,900 की मतलब 1,00,000 रुपए की हमें यहां से विनिंग हो चुका है, 1,00,000 रुपए की एक बेट हमें यहां से विन हो चुकी है। टेबल को मैंने देखा 22 के बाद 33 था तो 7 के बाद 6, ठीक है, तो यहाँ से 22 के बाद 21 के बहुत ज़्यादा चांसेस थे तो मैंने 19-21 पर प्लेसमेंट ज़्यादा किया। अभी फिर मैं यहाँ से प्लेसमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी यहाँ से विनिंग बहुत बड़ी हो गई तो मैं यहाँ से आज हैवी गेम प्ले करने वाला हूँ, ठीक है, जिसको हैवी गेम कहते हैं। और यहाँ से एक दफ़ा फिर 15 आ चुके, तो 15 और 14 के बीच में 2K की चिप लगी हुई थी, 1,000 की चिप मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से देखता मैं फिर कितनी विनिंग होती, 22,700 रुपये के मैं यहाँ से फिर विनिंग होगी। गाइज अगर वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही कमाल की विनिंग होती है इस एप्लीकेशन में, बहुत ही कमाल की। कार्ड रमी के ऊपर खेल रहा हूँ, कार्ड रमी की बात कर रहा हूँ, बार बार आपको कहता हूँ कि मैं सिर्फ कार्ड रमी के ऊपर खेलता हूँ, अगर आपके पास दूसरी गेम है तो काइंडली आप अगर उस पर खेलते हैं तो उस पर ना खेला करें, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि ये ट्रिक उस गेम पर काम करता है या नहीं करता, वर्क करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आप लोगों के सामने मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कार्ड रमी के ऊपर खेलता हूँ, तो कार्ड रमी का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में मैंने अपने व्हाट्सअप का नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप हमारे साथ खेलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 28 आ चुका है, तो मैंने यहाँ से अब देखे कैसी प्लेसमेंट मैंने की थी, 23,830 रुपये की हमें फिर यहाँ से विनिंग हो चुकी है, 3 बेट्स में मैंने यहाँ से 1,70,000 रुपये विन कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, सॉरी 1,50,000 रुपये मैं यहाँ से विन कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, और आगे भी खेल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन रिकॉर्ड विनिंग आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, रिकॉर्ड विनिंग, आगे मैं विनिंग कैसे करूँगा, मैं फिर मेरा लॉस कैसे होता है, फिर मैं उससे ऊपर कैसे जाऊंगा, आप लोगों के सामने मैंने यहां से बेट लगाई हुई है। और देखते हैं यहां से 21 फिर आ चुका है और मैंने यहां से 21 छोड़ दिया था इस दफ़ा, प्रॉपर वीडियो लेकर आया हूं, फुल वीडियो आपके सामने पहली बेट से लेकर एंड तक आपके सामने खेलूंगा कि मुझे लॉस कितना होता है और मैं आज यहाँ से कितनी विनिंग करने वाला हूँ, लेकिन रिकॉर्ड विनिंग आपके साथ लेकर आया हूँ। पूरे यूट्यूब में अगर आपके सामने ऐसी वीडियो हुई तो मुझे कमेंट्स में बता देना, अगर नहीं हुई तो आप सब लोगों ने वीडियो पर कमेंट्स कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कार्ड रमी के ऊपर खेल रहा हूँ, कार्ड रमी का ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप डाउनलोड कर ले तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं आपके साथ टेबल शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक टेबल होता है, मैं आपके साथ वो टेबल शेयर कर दूंगा जिसमें आपको कमाल की विनिंग होगी, जो ट्रिक मैं खुद यूज़ करता हूँ वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ जब आप डिस्क्रिप्शन में चले जाए तो डिस्क्रिप्शन में गेम का लिंक और साथ में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे एक बेट कितने का लॉस होता है, मैं यहाँ से आज हेवी गेम खेल रहा हूँ, कंफर्म नंबर बताऊँगा और जब मैं बड़ी विनिंग करूँगा तो कैसी हमें यहाँ से बड़ी विनिंग कैसी होगी, ठीक है, हमें लॉस कैसे होता है इस गेम में और हमें लॉस क्यों होता है, ठीक है। जब आपको पता है कि कंफर्म नंबर नहीं आया तो आप लोग वेट क्या करें, मिसाल के तौर पर जब मैंने टेबल को स्टार्ट कर दिया मैं देख रहा था तो उसके बाद मैंने 19 को और 21 के ऊपर बड़ी प्लेसमेंट कर दी क्योंकि मुझे कंफर्म था कि इस दफ़ा यही नंबर आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी इंतज़ार किया कर, आप देखें मैंने 3 बेट लॉस कर दिए, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से पता ही नहीं है कि कौन से नंबर के बाद अब कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि टेबल ये कुछ अजीब सा चल, 2 ब्लैक 1 रेड 2 ब्लैक ही चल रहे, 26 के बाद तो 10 होता नहीं है, अगर 6 से 2 माइनस कर ले 4 हो जाता है, 2 को अपनी जगह रख ले 2 होता है, 6 को अपनी जगह रख ले 6 होता है, 6 और 2 को जमा करके 8 हो जाता है, अगर हम इसको हाफ कर दें तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 26 हो जाता है, तो क्या आ चुका है 10 आ चुका है, टेबल ही नहीं चल रहा, तो हम वेट करेंगे यहाँ से। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ से वीडियो बता रहा हूँ कि हमें विनिंग कैसी होती है, लॉस कैसा होता है, और जब कंफर्म नंबर आता है तो आप एक नंबर पर बड़ी प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों के सामने बहुत बड़ी गेम प्ले कर रहा हूँ। 11 के ऊपर 800 की हमारी प्लेसमेंट लगी हुई थी, बाकी 13, 14, 15, 19, 20, 21 और 31 से 36 तक मैंने नंबर पकड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ब्लैक का सीरीज चले तो इस वजह से 7,600 रुपये की मेरी विनिंग होगी। 800 रुपये की प्लेसमेंट थी और मुझे यहाँ से सिर्फ 7,000 की विनिंग हो गई क्योंकि मेरी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब 11 चुका है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, प्लेसमेंट को मैं थोड़ी सी छोटी करूँगा और 20, 14, 15, 21 और मैं 0, 1, 4 को अभी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। बाकी आखिरी दर्जन के 6 नंबर मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जब मैं टेबल को देख रहा हूँ तो आखिरी दर्जन के ये 6 नंबर अभी तक नहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया और यहाँ से देखे 36 कन्फर्म हो गया। अगर मैं वही वाली बेट कंटिन्यू करता तो हमें बहुत बड़ी विनिंग होती क्योंकि मैंने उस दफ़ा 7,000 की प्लेसमेंट सिर्फ 6 नंबर के ऊपर की करी थी। तो यहाँ से आई थिंक 1,260 रुपये की सिर्फ हमें यहाँ से विनिंग हो चुकी है। प्लेसमेंट ज़्यादा थी लेकिन मेरी बेट बहुत बड़ी है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कार्ड रमी में अगर आप एक नंबर पर बड़ी प्लेसमेंट करते हैं ना तो वो नंबर ज़रूर निकलता है। बाकी गेम जितनी भी आप खेल रहे हैं तो सारे स्कैम हैं, ये मैं गारंटी के साथ आपको बताता हूँ कि सारे स्कैम हैं जो भी एप्लीकेशन हो, क्योंकि जब आप एक नंबर के ऊपर उस गेमों में 500 से ज़्यादा प्लेसमेंट करते हैं तो वो गेम आपको वो नंबर देता ही नहीं है। वाहिद कार्ड रमी गेम है जो मैं खेल रहा हूँ, आप लोगों के सामने प्लेसमेंट कर रहा हूँ और बड़ी बड़ी प्लेसमेंट कर रहा हूँ। पहली प्लेसमेंट से मैं 1,00,000 रुपए की विनिंग हो गई, फिर 25,000 की, फिर 25,000 की, अब मेरा बैलेंस कितना हो चुका है 1,28,000। लेकिन मैं यहाँ से आपको बता दूँ कि मैं आज यहाँ से 39,000 से 3,00,000 रुपए की विनिंग करूँगा। जब हम 3,00,000 रुपए की विनिंग नहीं करते तब तक हम गेम खेलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए 3 ब्लैक 2 रेड, दो रेड आ चुके हैं, ठीक है। 12 के बाद यहाँ से मोस्टली चांसेस 1 और 21 के होते हैं, ठीक है। तो 1 के ऊपर मेरी प्लेसमेंट 1700 की लगी हुई है और 21 के ऊपर और भी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ मैंने 3 को छोड़ा हुआ है, 12 के बाद 1, 3, आप देख सकते हैं 3 के ऊपर मैंने प्लेसमेंट की लेकिन नहीं लगी, 1, 3, 21 होता है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कन्फर्म बैट, इसको कहते हैं कन्फर्म बैट। मैंने आपको बता दिया 12 के बाद 1, मैं आपको बता दूँ कैसे कन्फर्म थी। अब ये 2 को 1 से जमा करके 3 हो जाता है, 1 अपनी जगह, ठीक है, और 2, 1, 3 हो जाता है। तो आप लोगों के सामने मुझे यहाँ से कितनी विनिंग होगी 1 के ऊपर कन्फर्म 1700 रुपये की मैंने प्लेसमेंट की थी हुई। बाकी गेम में आप मुझे दिखा दें कि कोई बंदा यहाँ से 200 की या 2000 की एक चिप लगा कर एक एक नंबर पर वो मुझे विनिंग करके दिखाए, पूरी यूट्यूब में कोई नहीं कर सकता। 20 से 40 से 100 से ज़्यादा कोई प्लेसमेंट नहीं करता क्योंकि उसमें नंबर निकलते ही नहीं है। तो कार्ड रमी के ऊपर खेल रहा हूँ, अब देखते हैं यहाँ से कौन सा नंबर आता है। अगर यहाँ से 1, 20, 14, 20 अगर हो जाएगा तो 14 हो चुका है गाइस। यहाँ से अगर 20 होता तो इतनी बड़ी विनिंग होती, आई थिंक मुझे 2,00,000 से भी ऊपर की विनिंग होती, लेकिन यहाँ से 14 हो चुका है, 14 के ऊपर भी आई थिंक हमारी कुछ अच्छी अमाउंट नहीं थी, लेकिन देखते हैं यहाँ से मैं कितनी विनिंग, 11,000 की विनिंग हुई। अगर 20 होता तो आप देख सकते हैं 2,000 की एक चिप लगी हुई थी और 3,000 मैंने नीचे से लगा, तो बहुत बड़ी विनिंग होती हमें। 1,76,000 हमारा यहाँ से बैलेंस हो चुका है, ठीक है। गैस वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको कमाल की ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, कमाल के नंबर बताऊंगा यहाँ से। अभी देखिए यहाँ से मैं 16 से लेकर 21 तक और 10 से लेकर 15 तक बीच के दर्जन मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है और 2, 3, 4, 7 मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से हमारा नंबर निकलता है या नहीं निकलता। यहाँ से कंटिन्यू कर हम चले गए और यहाँ से 3 हो चुका है, लेकिन 3 के ऊपर हमारी प्लेसमेंट ज़्यादा थी। अगर ये 19, 21 पे चला जाता गैस या 15 पे तो इतनी बड़ी विनिंग हमें हो जाती, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये कार्ड रमी गेम है, इसमें आपका बहुत बड़े नंबर निकलते हैं, लेकिन जब नंबर कंफर्म होता है, ठीक है। 12 के बाद एक वाली प्लेसमेंट हमारी कंफर्म थी लेकिन हमने उस पर प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं की। अब देखिए यहाँ से मैं टेबल को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि 3 आ चुका है, तो 3 के बाद कार्ड रमी में 5, 7, 9, 27, 30, ठीक है, ये आप लोगों ने कभी भी नहीं छोड़, 3 के जितने भी घर होते हैं। मैंने यहाँ से 23 को भी पकड़ लिया, 31, 34 को भी मैंने यहाँ से पकड़ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कौन सा नंबर आ गया, 25 आ चुके हैं और 25 नंबर ही हमने सिर्फ छोड़ा होता, 1,000-1,000 रुपये की चिप मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। छोटी गेम नहीं खेलेंगे, बड़ी गेम खेलेंगे और बड़ी विनिंग कैसी होती है, आप भी इसमें बहुत बड़ी विनिंग कर सकते हैं, डेली आप इससे लाखों कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्रिक हो, ठीक है, जब आपके पास ट्रिक होती है तभी आप विनिंग कर सकते हैं, जब आपके पास ट्रिक ही नहीं होता आप कैसे विनिंग करेंगे, ठीक है। बार बार बोलता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है,
और अगर वीडियो आपको ट्रिक अच्छी लगे तो अपने वीडियो पर ज़रूर कमेंट्स कर देना है, ठीक है। अब 25 आ चुका है तो मैं 27 30 के ऊपर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। 19 20 21 को पकड़ा हुआ है और 1-4 को भी मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, ठीक है। सॉरी, मैंने 4 को छोड़ा हुआ था गाइज, बहुत बड़ी मिस्टेक हमसे हो गई। 4 हमारा फेवरेट नंबर है, हमने 4, 15, 19, 21 आपने कार्ड रमी में और रूलेट में कभी भी नहीं छोड़ना, और ये हमारी मिस्टेक हो गई, हमसे 4 को हमने छोड़ा हुआ था। लेकिन कोई नहीं, आगे आगे हम विनिंग करेंगे। आगे देखिए कि मैं यहाँ से एक प्लेसमेंट से कितनी विनिंग करता हूँ और टारगेट कहाँ तक पहुँचता है हमारा। 4 आ चुके हैं तो अब 34 के ऊपर प्लेसमेंट ज़्यादा करूँगा, 14 के ऊपर ज़्यादा कर दिए, 5 को भी पकड़ा हुआ, 19, 20, 21 के ऊपर और भी प्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ से। और अब देखते हैं यहाँ से हमारा नंबर निकलता है या नहीं निकलता। यहाँ से फिर जा रहा है हमारे नंबर के पास, फिर जा रहा है यहाँ से गैस। 21 हो चुका है लेकिन 21 के ऊपर हमारी 2K की चिप लगी हुई थी और नीचे आई थिंक मैंने 600K नंबर के साथ से पकड़ा। अगर यहाँ से 19 होता तो बहुत बड़ी विनिंग होती, लेकिन 2K 58,660 रुपये के में फिर यहाँ से विनिंग हो चुकी है गैस। 58,000 रुपये के में विनिंग हो चुकी है। अब बैलेंस हमारा कितना हो चुका है, 1,94,640 रुपये, 1,60,000 रुपये हम यहाँ से विन कर चुके हैं। अब मैं यहाँ से प्लेसमेंट को चोटी करूँगा, ठीक है। अब फिर हम स्टार्ट लेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे फेवरेट नंबर मैं अकाडमी के ऊपर आपको बताता हूँ कि मेरे फेवरेट नंबर 1, 14, 15, 19, 20, 21 और 2, 17, 25, 34, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ता और ये बहुत फेवरेट नंबर है गेम के, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने कैसे टेबल बना दिया यहाँ से। मैंने 0 को भी अभी पकड़ लिया क्योंकि 0 अब तक नहीं आया। 1, 2, 3 को मैंने पकड़ा हुआ है, 13, 14, 19, 20, 21 आखिरी दर्जन के नंबर मैंने पकड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 13,000 रुपये का मैं फिर यहाँ से लॉस हो जाता है, 5 के ऊपर हमारी प्लेसमेंट नहीं थी, ठीक है। 1,81,000 रुपये हमारा बैलेंस रह चुका है, ठीक है। 5 आ चुका है तो मैं यहाँ से अब 3, 6, 7, 1, ठीक है, और मैं यहाँ से 1,000 की चिप पकड़ लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि 5 के बाद यहाँ से ये लोग 25 भी देते हैं, 34 भी देते हैं, और मैंने यहाँ से बैठ को ओए यार यहाँ से अमन से 17 नंबर रह चुका है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से 25 ही होगा। और ये देखिए, बताया था कि 17 नंबर मेरे से रह चुका है क्योंकि 2, 17, 25, 24 के चांसेस थे, तो मैंने 25 के ऊपर 2K की चिप लगाई हुई थी। अब देखिए यहाँ से अब कंफर्म नंबर यहाँ से हमारे लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से 17 जब आ जाता है कार्ड रमी में तो आपने 16 और 18 को कभी भी नहीं छोड़ना, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बता दूँ कन्फर्म नंबर कैसे हो गया। 17 आ चुका है, 7 से 1 माइनस करके 6 हो जाता है, 7 के साथ 1 प्लस करके 8 हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से प्लेसमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अब क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से सिर्फ 19, 20, 14, 15 और 6, 9 को मैंने पकड़ लिया क्योंकि 17 के बाद 6 की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मैंने 6, 9 को भी पकड़ लिया और 27, 30 को भी मैंने पकड़ लिया हुआ है गाइज। और गाइज यहाँ से 6 हो चुका है, 6 हो चुके हैं। अगर 27 होता तो बहुत बढ़िया मेरी विनिंग होती, लेकिन 6 को मैंने 6 को पकड़ रहा था और मेरे साथ 9 टच हो गया, 9 उसके साथ टच हो गए, तो इस वजह से हमें यहाँ से 500 रुपये की प्लेसमेंट नहीं की थी और बहुत बड़ी बेट के वजह से हमें 850 रुपये के फिर भी लॉस हो जाता है। 500 रुपये की प्लेसमेंट थी और 850 रुपये के हमें यहाँ से लॉस हो चुका है। एंड में यहाँ से हम बड़ी प्लेसमेंट करेंगे और गेम को छोड़ देंगे। अब देखिए मैं 16, 19 को नहीं छोड़ा, जब 6 आ जाए ना तो 16, 19 बहुत कन्फर्म होता है, तब तक आपने नहीं छोड़ना जब ये रिकॉर्ड से 6 ख़त्म ना हो जाए, जब ये 6 रिकॉर्ड से बिल्कुल गायब ना हो जाए, नीचे ना आ जाए, तो आप लोगों ने तब तक अपने 16-19 को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब 33 आ चुके हैं, 33 को मैंने पकड़ा हुआ था 300 रुपये की प्लेसमेंट के साथ, आई थिंक 300 की प्लेसमेंट लगी हुई थी जी। लेकिन जब 6 आ जाए ना तो 16-19 को आप लोगों ने तब तक नहीं छोड़ना गाइज, जब तक ये रिकॉर्ड से, अब देखिए ना 6, 33, जब ये 6 बिल्कुल आपको शो ना हो, मतलब ये कि इसके बाद नंबर आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर जब ये 6 नीचे चला जाएगा तो फिर आपने 16-19 को छोड़ना, तब तक जब तक ये ख़त्म नहीं होता, 6 रिकॉर्ड से ख़त्म नहीं होता, तो 16-19 को आपने नहीं छोड़ना। जब 6 आ जाते हैं ना तो आपने कार्ड रमी में 16-19 के ऊपर बहुत बड़ी प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा की हुई है और 21 के ऊपर मैंने सिर्फ 1400 रुपये की प्लेसमेंट की हुई है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से आई थिंक यहाँ से 5 हो चुके हैं, 5 के ऊपर हमारी 400 रुपये की प्लेसमेंट लगी हुई थी, लेकिन ये हमें लॉस हो गया। मैंने 0 के ऊपर बहुत बड़ी प्लेसमेंट की हुई है 3,400 की, और 16-19 के ऊपर मेरी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी नंबर के ऊपर मैंने 400-600 की प्लेसमेंट की हुई थी ताकि हमारा नंबर ना लगे, हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो। अगर लगेगा 19-21-16 और 0 तो हमें
इतनी बड़ी विनिंग हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते यहाँ से, ठीक है। अब मैं फिर यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं 16-19 को, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब ये 6 ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत कन्फर्म बैट होती है। आप लोगों ने तब तक नहीं छोड़ना जब तक 16-19 ये 6 ख़त्म ना हो जाए, तो आपने 16-19 को नहीं छोड़ना, ठीक है। अब मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया है, ठीक है, और देखते यहाँ से हमारा नंबर निकलता है या नहीं निकलता। गैज यहाँ से, गैज यहाँ से 19 हो चुका है, बताया था ना आप लोगों को, जब 6 आ जाए ना तो आपने 16-19 को नहीं छोड़ना। और 19 के ऊपर हमारी 3 के एक चिप लगी हुई, तो 3 के बीच में लगा हुआ था, तो यहाँ 131,400 रुपये के हमें यहाँ से विनिंग हो चुकी है। और गैज हमारा बैलेंस हो चुका है 2,50,000 रुपये के हमें यहाँ से अब तक की विनिंग हो चुकी है, 2,50,000 रुपये के हमें यहाँ से विनिंग हो चुकी है। अब आखिरी प्लेसमेंट के ऊपर जाऊंगा, 1,20,14 के ऊपर प्लेसमेंट ज़्यादा कर दिए, बाकी के ऊपर सिर्फ 2,200 की प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ये 1,20,14 के चांसेस अब तक नहीं आए, और यहाँ से आई थिंक जा रहा है 1,20,14, बिल्कुल जा रहा है गाइस, यहाँ से 14 हो चुका है, 14 के ऊपर यहाँ से फिर मैंने 500 रुपये की प्लेसमेंट की हुई है, और यहाँ से हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है गाइस, क्योंकि 2,84,000 हमारा बैलेंस है, और 500 रुपये से हमें बहुत बड़ी विनिंग होगी यहाँ से, 11,330 रुपये की हमें विनिंग हो चुकी है, 39,000 से हमारा बैलेंस कितना, 3,02,000। अब तक लिखते ही जाना चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।